हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियो एंड कमेंट आल्सो। तो आज का टॉपिक है क्लेरिफिकेशन। तो क्लेरिफिकेशन क्या होता है और इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्या क्यों होती है, ठीक है, और इसके क्या एम्स होते हैं, क्लेरिफिकेशन के कुछ एम्स होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लेरिफिकेशन कैसे करते हैं और क्या क्या इसके एम्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, देखिए, मिल से जो हमारा जूस निकलता है, मिलिंग करने के बाद में जो भी जूस निकलता है, मिक्स जूस, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कलर्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, और कुछ मड भी होती है, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो क्या करते हैं, मिल से पंप के जरिए हम क्या करते हैं, जूस को पहले हम बॉइलिंग हाउस में लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर जूस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में हम उसमें क्या लगाते हैं, मिल्क ऑफ लाइम लगाते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ लाइम लगाने से क्या होगा, जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप दूध उबालते हैं, दूध में नींबू डालते हैं, नींबू डालने से क्या होता है, पानी अलग हो जाता है और पनीर अलग बन जाता है। तो सेम प्रोसेस रहता है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम मिल्क ऑफ लाइम मिलाते हैं। तो मिल्क ऑफ लाइम मिलाते ही क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए कि क्लेरिफिकेशन के एम्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है मैक्सिमम रिमूवल ऑफ नॉन शुगर। तो नॉन शुगर, जैसे गन्ने में क्या होता है, शुगर कंपाउंड्स होते हैं और नॉन शुगर कंपाउंड्स होते हैं। तो नॉन शुगर कंपाउंड्स को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिमूवल कर सकें। दूसरा है इलिमिनेट्स ऑफ सस्पेंडेड एंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं या फिर कोलाइडल हैं, जो कोलाइड करती हैं इम्प्योरिटीज़, उनको हमें इलिमिनेट करना होता है। तीसरा है रिमूवल ऑफ कलर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। जो कलर फॉर्मिंग कंपाउंड्स उसमें मिक्स होते हैं, उनको भी हमें क्या करता है, रिमूव करना पड़ता है। और चौथा है ऑप्टेन ब्रिलियंट लाइट कलर। और हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के बाद में, कलर फॉर्मिंग कंपाउंड अलग करने के बाद में, जो हमारा कलर होना चाहिए जूस का, वो ब्रिलियंट कलर होना चाहिए और क्लियर जूस ऐसा होना चाहिए जैसे ट्रांसपेरेंट दिखाई देता हो, ठीक है, और फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, और फ्री होना चाहिए और इम्प्योरिटीज़ कोई नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये इसके एम्स होते हैं, ठीक है। तो अगला जो है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्लेरिफिकेशन के, या रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी सुक्रोज होने चाहिए वो रिमेंस इंटैक्ट ड्यूरिंग क्लेरिफिकेशन। इस कहने का मतलब है कि क्लेरिफिकेशन में हमारे सुक्रोज लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जितने उतने ही रहने चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारी प्योरिटी राइज होनी चाहिए, मिक्स जूस टू क्लियर जूस में हमारी प्योरिटी राइज होनी चाहिए। और तीसरा है रिड्यूसिंग शुगर शुड नाइदर फॉर्म अ फ्रेश और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग क्लेरिफिकेशन। कहने का मतलब जो RS होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, ना ही हमारी डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, ना ही हमारी नहीं बननी चाहिए। और चौथा है कि इंक्रीज इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक सिलिका सल्फाइट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमारे इंक्रीज नहीं होने चाहिए। और पाँचवा है कैल्शियम कंटेंट इन द क्लेरिफाइड जूस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो कैल्शियम कंटेंट होना चाहिए क्लेरिफाइड जूस में, वो हमारा एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और देयर शुड बी नो डेवलपमेंट एनी कलर इन क्लेरिफाइड जूस। कहने का मतलब है कि हमारा जो क्लेरिफाइड जूस है उसमें कोई भी कलर डेवलप नहीं होना चाहिए, ये हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इम्प्योरिटीज़, रिमूव इम्प्योरिटीज़ की। तो वाई नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करें। तो देखिए, पहला है बेटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, शुगर का बेटर से अच्छा क्रिस्टलाइजेशन हो सके, और प्रोडक्शन ऑफ वाइट शुगर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो वाइट शुगर का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा है रिड्यूस द लॉस ऑफ शुगर इन फाइनल मोलासेस, और फाइनल मोलासेस में हमारा जो शुगर का लॉस होता है वो हमारा कम हो सके, ठीक है।
तो क्लैरिफिकेशन जो सेक्शन होता है उसमें हमारा क्या क्या आता है? एक तो SRT आता है, शॉर्ट रिटेंशन टाइम, और आपका रेपिडोर आता है, ठीक है, रेपिडोर 5-5 या रेपिडोर 4-4, ये हमारे क्लैरिफिकेशन सेक्शन में आता है। सल्फिटेशन भी हमारा क्लैरिफिकेशन में आता है, कार्बोनेशन पुराना हो चुका है, और डबल सल्फिटेशन या फिर आपका डेफिकेशन, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्लैरिफिकेशन में काम में आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्लैरिफिकेशन के कुछ मेथड्स होगा।